हेलो एंड वेलकम गाइस, एक और गेम प्ले वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ वासिफ अली। और मैच है दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जहां 24 गेंदों के ऊपर टीम पाकिस्तान को जीत के लिए 56 रन्स की ज़रूरत है। बाबर आजम जो है वो दोस्तों 61 के स्कोर पर मौजूद हैं, जो कि इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। बॉलर आ गेंद, क्या ड्राइव किया है इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की जाने बाबर आजम ने। फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद इस गेंद को फील्ड करेंगे और सिंगल के इजाफे के साथ 128 होते हुए टीम पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट्स के नुकसान पे 16.1 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। जहां नवदीप सैनी एक दफा फिर से आए, गेंद के अंदर आता वो ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे बाबर आजम शफल करके, लेकिन नाकाम रहे। डॉट डिलीवरी मिलेगी और डॉट डिलीवरी के साथ 128 है टीम पाकिस्तान 3 विकेट्स के नुकसान पे। एक दफा फिर बॉलर आए, गेंद क्या हवा में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन इतने अच्छे अंदाज से टाइम नहीं कर सके बाबर। मोहम्मद हफीज सिंगल आएगा, नए प्लेयर हैं मोहम्मद हफीज और इसलिए वो इतने जो है वो दोस्तों उमदा अंदाज से गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे। जिसके बाद 129 है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे और बॉलर अपनी बॉलिंग के सिलसिले को एक दफा फिर से जारी रखेंगे। शॉट पिच गेंद पुल कर दिया है इस गेंद को, लेग साइड की जानब हवा में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद छक्के के लिए। बाबर आजम जो है वो दोस्तों छक्का लगाते हुए पाकिस्तान की टीम की उम्मीदों का महवर हैं बाबर आजम, जिन्होंने इस गेंद को लॉफ्ट किया लेग साइड की जानब और गेंद हवा में रहने के बाद गई बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए, छक्के के इजाफे के साथ। बिल्कुल दोस्तों छक्का जो है वो देखने में आया बाबर आजम के बल्ले से और अब 48 रन की ज़रूरत है, 20 गेंदों का खेल बाकी है पाकिस्तान की टीम को। अभी भी मुश्किलात हैं, बाउंड्रीज जो हैं वो दोस्तों हिट करनी होंगी टीम पाकिस्तान के प्लेयर्स को, जहां पर बॉलर एक दफा फिर से तैयार हैं। नवदीप सैनी अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आए, गेंद क्या बैकफुट पर रहते वो इस गेंद को पंच किया है लॉन्ग ऑन की जानेब और यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता था, इसीलिए बाबर आजम का अच्छा कॉल जिन्होंने मोहम्मद हफीज़ को मना किया। और अब 135 है टीम पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पे, 16.5 ओवर्स का खेल इस मैच के अंदर अब तक मुकम्मल हुआ। बॉल फिर से आ गेंद, क्या हवा में खेला है इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की जाने अब पुश किया था, हल्का सा सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर और सिंगल के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 136 हुआ 3 विकेट्स के नुकसान पे। बिल्कुल दोस्तों मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हुए 47 रन की ज़रूरत है, 48 दिनों का खेल बाकी है और केदार यादव जो कि एक स्पिन बॉलर हैं उनको अब जो है वो बॉलिंग के लिए लाया गया है। बिल्कुल दोस्तों बॉलिंग के लिए लाया गया है इस प्लेयर को। बॉलर आए, गेंद क्या कदमों का सहारा लेकर इस गेंद को खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन नाकाम रहेंगे बाबर आजम। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी इस गेंद को जो है वो अच्छे अंदाज से टाइम नहीं कर सके। गेंद बढ़ते हुए लेग साइड की जाने भी एक दफा फिर बॉलर आया, गेंद क्या स्वीप करना चाहते थे बाबर आजम, सेट प्लेयर हैं लेकिन केदार यादव जो है वो काफ़ी चतुराई से इनको बॉलिंग करवाते हुए, जिसके बाद अब मैच की सूरत हाल जी। बिल्कुल दोस्तों मैच की सूरत हाल ये है कि इंडिया की जान से यहाँ पर बॉलर अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद को उठा दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद हवा में रहेगी और गेंद बढ़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। लवली पीस ऑफ बैटिंग जी, बिल्कुल दोस्तों कमाल शॉट लगाते हुए यहाँ पर ये प्लेयर और गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। केदार यादव की ये गेंद थी और इस गेंद का भरपूर फ़ायदा उठाया, शॉर्ट पिच गेंद का भरपूर फ़ायदा उठाया और छक्का जो है वो दोस्तों हासिल करेंगे बाबर आजम। और इसी जगह के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जो है वो दोस्तों अब कह लीजिए कि 142 हुआ और जीतने के लिए 41 रन की ज़रूरत है जी। बिल्कुल दोस्तों 41 रन की ज़रूरत है और कह लीजिए कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रन आउट की तो रन आउट हो सकते थे प्लेयर। रन रेट बढ़ते हुए 16 का हो चुका है, पाकिस्तान की टीम को मजीद बड़ी शॉट्स की ज़रूरत है। इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 7 रन आ चुके हैं और एक बड़ा शॉट मजीद जो है वो दोस्तों यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। बॉल फिर से आ गेंद, क्या इस गेंद को कदमों का सहारा लेकर ब्यूटीफुली प्ले किया है दोस्तों लॉन्ग ऑफ की जानेब इस प्लेयर ने और गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। मोहम्मद हफीज जो कि एक अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं दोस्तों छक्का लगाया है उन्होंने, कदमों का सहारा लिया और इस गेंद को लॉफ्ट किया एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की जानेब एक बड़ा छक्का लगाएंगे मोहम्मद हफीज जी। बिल्कुल दोस्तों 80 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए 13 गेंदें हैं और 34 रन की ज़रूरत है। बिल्कुल दोस्तों 13 गेंदें हैं और 34 रन की ज़रूरत। केदार यादव एक दफ़ा फिर अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे, ड्राइव किया है इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ टीम पाकिस्तान जो है वो अपने 150 रन को मुकम्मल करेगी। 14 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर से, इंटरेस्टिंग रहते वो ये मैच। बिल्कुल दोस्तों 150 रन जो है वो मुकम्मल किए टीम पाकिस्तान ने और अब इंडिया की जान से नवदीप सैनी जो है वो बॉलिंग के लिए आएंगे जी। बिल्कुल दोस्तों नवदीप सैनी जो है वो बॉलिंग के लिए आएंगे, गैप में खेलने की कोशिश होगी बल्लेबाज के एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। इस ओवर की पहली गेंद, ड्राइव किया है इस गेंद को, गैप पे है गेंद, फील्डर गेंद के पीछे जाएंगे जो कि इस गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर और
सिंगल के इजाफे के साथ 151 होते हुए टीम पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे 151 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यहां पर नवदीप सैनी एक दफा फिर अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे। अगली गेंद स्लो रन दिया, गेंद भरपूर फायदा उठाया इस गेंद का और गेंद को जो है वो दोस्तों भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक और छक्का। लवली टाइमिंग, स्लो रन दिया गेंद थी और इस गेंद का जो है दोस्तों भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर ये प्लेयर 28 गेंदों के ऊपर 50 रन की पार्टनरशिप लगते हुए इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान जहाँ पर कह लीजिए कि 34 रन बनाए। बाबर आजम ने 20 गेंदों का सामना किया और छक्का लगाते हुए जो बिल्कुल दोस्तों एक्स्ट्रा कवर के रीजन में छक्का लगाते हुए ये प्लेयर स्लो रन दिया गेंद थी, यॉर्कर लेंथ दिया गेंद थी, ड्राइव किया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और कोई मौका किसी फील्डर के पास नहीं बना के वो उस गेंद को रोक सके और गेंद बढ़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए। 10 गेंदें हैं, 26 रन की मांग है टीम पाकिस्तान को, जबकि इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करवाते हुए इस मैच के अंदर एक दफा फिर बॉलर आए, गेंद क्या पैड्स पर आता हुआ गेंद मोड़ा है स्क्रीन को लेग साइड की जानिब, गैप में है गेंद, सिंगल आएगा दोनों प्लेयर्स के लिए। अच्छा यॉर्कर लगाया नवदीप सैनी ने और इसी यॉर्कर के साथ जो है वो दोस्तों 25 रन की ज़रूरत है, 9 गेंदों का खेल मजीद बाकी है, 9 गेंदें हैं, 25 रन की ज़रूरत है, बॉलर एक दफा फिर से तैयार रहेंगे नवदीप सैनी अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर आया, गेंद क्या अच्छा गेंद अंदर आता हुआ, ये गेंद ड्राइव करना चाहते थे इस गेंद को लेकिन नाकाम रहे जी, बिल्कुल दोस्तों नाकाम रहते हुए ये प्लेयर रहे, एक और डॉट डिलीवरी मिलेगी। तो बड़ी शॉट जो है वो दोस्तों लगातार यहाँ पे ट्राई करने की ज़रूरत है। बॉलर फिर से आ गेंद किया, इस गेंद को अपर कट करना चाहते थे, नाकाम रहेंगे मोहम्मद हफीज़ और अब 7 गेंदें हैं, 25 रन की ज़रूरत है, बिल्कुल दोस्तों 7 गेंदें और 25 रन की ज़रूरत है। पाकिस्तान की टीम मुश्किल का शिकार, पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों मुश्किल का शिकार। बॉलर फिर से आ गेंद किया, अच्छा गेंद, बीट हुए हैं प्लेयर, ड्राइव करना चाहते थे इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में लेकिन नाकाम रहे जी। तो गाइज 158 रन हो चुके हैं और हर ओवर के अंदर यानी कि आखिरी ओवर के अंदर जो है वो बड़ी हिट्स की ज़रूरत होगी टीम पाकिस्तान को, बड़ी हिट्स जो है वो दोस्तों लगानी होंगी यहाँ पर टीम पाकिस्तान को। जसप्रीत बुमराह इस ओवर की पहली गेंद लेकर आए, गेंद किया, इस गेंद को स्लॉग स्वीप कर दिया है बाबर आजम ने लेग साइड की जाने बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए और बाबर आजम जो है वो दोस्तों सेट बैट्समैन हैं, यकीनी तौर पर चाहेंगे कि वो इस मैच के अंदर अपनी टीम को जितवा सके। अब देखना होगा कि वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, जो बिल्कुल दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, जो कि 89 के स्कोर पर मौजूद हैं। 11 रन की उनको मजीद ज़रूरत है, स्लॉग स्वीप किया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में लेग साइड की जानिब और गेंद बढ़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। ये तो दोस्तों छक्का देखने में आया, 5 गेंदें हैं, 19 रन की ज़रूरत है, 5 गेंदों के ऊपर 19 रन की जो है वो ज़रूरत है। बॉलर एक दफ़ा फिर से तैयार रहेंगे इस ओवर के लिए, गेंद लेकर बॉलर फिर से आ गेंद क्या, एक और स्लॉग स्वीप और एक और छक्का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और छक्का मिलते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर बाबर आजम को रोकना थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है इंडियन टीम के लिए जी, बिल्कुल दोस्तों जहां उन्होंने छक्का लगाया लेग साइड की जानिब और गेंद बढ़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट के बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में एक और छक्के के लिए। तो 2 स्लॉग स्वीप किए गए हैं और 2 छक्के लगे हैं बाबर आजम के बल्ले से और अब जो है वो दोस्तों 170 होते हुए स्कोर 3 विकेट्स के नुकसान पे। बॉलर एक दफा फिर अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जो है वो दोस्तों जारी रखेंगे इस ओवर के लिए। गेंद लेकर बॉलर आ गेंद क्या, इस गेंद को निकाल दिया है थर्ड मैन के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल आएगा बाबर आजम के लिए, दूसरे के लिए वापस मुड़े हैं जी, बिल्कुल दोस्तों दूसरे रन के लिए भी वापस मुड़े और 2 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 172 का हुआ 3 विकेट्स के नुकसान पे। 97 के स्कोर पर मौजूद हैं बाबर आजम जी, बिल्कुल दोस्तों 97 के स्कोर पर मौजूद हैं बाबर आजम। एक दफ़ा फिर बॉलर आए, गेंद क्या, इस गेंद को कट करना चाहते थे बाबर आजम लेकिन नाकाम रहेंगे जी, बिल्कुल दोस्तों नाकाम रहेंगे, एक और डॉट डिलीवरी मिलेगी और डॉट डिलीवरी के साथ अब 2 गेंदें हैं, बड़ी शॉट लगानी होगी बाबर आजम को जी, बिल्कुल दोस्तों अपनी सेंचुरी के बिल्कुल पास हैं। एक दफ़ा फिर बॉलर आए, गेंद क्या, इस गेंद को स्मैश किया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर और दूसरे के लिए भी दोनों प्लेयर वापस आना चाहते थे ये लेकिन रन आउट हो जाएंगे जी, बिल्कुल दोस्तों आखिरी गेंद के ऊपर जो है वो रन आउट होते हुए, बल्कि आखिरी गेंद से पहले जो है वो रन आउट होते हुए यहाँ पर टीम पाकिस्तान की प्लेयर और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों विकेट को लूज़ करेगी। मोहम्मद हफीज़ आउट हुए हैं जी, बिल्कुल दोस्तों मोहम्मद हफीज़ आउट होते हुए बाबर आजम जी, बिल्कुल दोस्तों बाबर आजम अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद हैं, 98 के स्कोर पर मौजूद हैं, क्या वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं जी, बिल्कुल दोस्तों क्या वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल कर पाएंगे या फिर नहीं, बड़ी बात होगी यहाँ पर अगर बाबर आजम जो है वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करेंगे। एक दफ़ा फिर बॉलर आए, गेंद क्या शॉट, पीछे गेंद पर कट कर दिया है इस गेंद को थर्ड मैन के रीजन में, पॉइंट के रीजन में और इसी के साथ बाबर आजम जो है वो दोस्तों
अपनी इस सेंचुरी को मुकम्मल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के उनकी टीम जो है वो दोस्तों यहाँ पर मैच को विन नहीं कर पाएगी। इंडिया की टीम जो है वो 3 विकेटों से जीते हुए इस मुकाबले को, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हुए ये मैच, जहाँ इंडिया की टीम ने जो है दोस्तों 3 विकेटों से इस मैच को विन किया। लेकिन बाबर आजम कमाल बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाए, 104 गेंदों का सामना किया, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए। दोस्तों अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैन ऑफ द मैच की जहां तक बात करते हैं दोस्तों, तो शरीय सैयद को जो है वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कमाल इनिंग्स खेली आज इन्होंने और अपनी टीम को जो है वो जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।